अस्सलाम वालेकुम। ये MS Word के 100 MCQs हैं। ये सारे के सारे MS Word से प्रिपेयर किए गए हैं, और इसमें जो MS Word की इम्पोर्टेंट की शॉर्टकट कीज़ हैं वो भी शामिल हैं इसमें। और उसके अलावा MS Word के जितने भी पास पेपर्स में, FPSC के, PPSC के, इन सब में जो वन पेपर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उनमें जो आते रहते हैं सारे MCQs, वो सारे इसमें इकट्ठे किए गए हैं। तो ये एक सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें MCQs हैं, खासतौर पर तहसीलदार जो भी करंटली टेस्ट चल रहा है उसके लिए आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव साबित होंगे। और वैसे भी जितने भी वन पेपर एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी के लिए ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम। विच फाइल स्टार्ट MS वर्ड, यानी MS वर्ड की कौन सी फाइल स्टार्ट करती है, वो है जनाब विन वर्ड एक्स। बड़ा सवाल आया हुआ है। विन वर्ड स्टैंड्स फॉर, ये भी एप्लीकेशन पूछी गई है। ये एप्लीकेशन किसकी है, ये किस किसके लिए स्टैंड करती है? दिस एप्लीकेशन स्टैंड फॉर विंडोज वर्ड, तो विन से विंडो, डब्ल्यू से वर्ड, वर्ड साथ वैसे आ जाते हैं। MS वर्ड इज एन डैश सॉफ्टवेयर, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट, तमाम वर्ड डॉक्यूमेंट जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन है ना, बहुत पूछी जाती है, तो डॉट डॉक्स है, यानी DOCX है। वट इज द एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड 2003, 2003 की क्या एक्सटेंशन है? तो 2003 की जो MS वर्ड है उसकी डॉक्स नहीं है, उसकी DOC आती है। आगे एक और देखिए। वट इज द एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड 2007, 2010, 2016 आर अबव, जो 2016 के बाद आए हैं, उनकी भी DOCX डॉक्स है। तो ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ये एक्सटेंशन वाला, वर्ड की एक्सटेंशन पूछी जाती है। डॉक्स में जो एक्स है ना, ये किसके लिए स्टैंड करता है? तो XML फाइल, ये इसके लिए स्टैंड करता है। वट इज द एक्सटेंशन ऑफ मैक्रोज, तो मैक्रोज की एक्सटेंशन क्या है? DOCM, ये मैक्रोज की एक्सटेंशन होती है। वट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द डायलॉग बॉक्स, ओपन द डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हमें किस शॉर्टकट की जरूरत होती है? तो कंट्रोल प्लस F12 एंड कंट्रोल प्लस O, यानी ये दोनों हम की हम यूज कर सकते हैं। हम कंट्रोल प्लस F12 डायल करके ओपन कर सकते हैं, या फिर हम कंट्रोल प्लस O डायल करके भी ओपन कर सकते हैं। F12 की इज यूज टू ओपन, ये बहुत सवाल आता है, बहुत आता है। सेव एज डायलॉग बॉक्स तौर पर F12 की इस्तेमाल होता है। शॉर्टकट की ऑफ सेव ए फाइल, हम किसी भी फाइल को सेव करना हो तो हम कंट्रोल प्लस S मिलाता है सिंपली, लेकिन जब हमने सेव एज का ऑप्शन लेना हो तो F12 मिलाते हैं। विच मेथड इज यूज टू सेव डॉक्यूमेंट विद डिफरेंट नेम, जब हम किसी डॉक्यूमेंट को किसी डिफरेंट नेम से सेव करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम F12 डायल करते हैं, सेव एज का ऑप्शन लेके आते हैं। सेव एज एक ऐसा मेथड है जिसमें आप फाइल को डिफरेंट नेम से सेव कर सकते हैं, अपनी मर्जी से लोकेशन और अपनी मर्जी से उसका नाम रख सकते हैं। विच की इज यूज टू सेव टू करंट फाइल, जो करंट फाइल जिस पे हम काम कर रहे हैं उसको अगर हम सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस S मिलाएंगे। द सॉरस टूल इन MS वर्ड इज यूज फॉर, जो वहाँ पर एक सॉरस टूल होता है, इसको हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? सेनोनिम वर्ड्स के लिए, यानी अगर आपको किसी वर्ड्स का सेनोनिम चाहिए तो आप इस डिक्शनरी में जाकर इसको डिक्शनरी को यूज़ करके उसके मजीद सेनोनिम निकाल सकते हैं। विच की इज यूज टू ओपन द सॉरस, तो अगर आपने दी सॉरस को निकालना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस F7 जो है ना वो हम डायल करेंगे। द डिफॉल्ट फॉन्ट विच इज यूज इन MS वर्ड 2007, 2016 डॉक्यूमेंट और अबव, तो वो है कैलिबरी। कैलिबरी की डिफॉल्ट फॉन्ट है जिसको हम MS वर्ड 2007, 2016 में या 2016 के बाद जो आए हैं, ये उसका डिफॉल्ट फॉन्ट होता है। डिफॉल्ट फॉन्ट जितने उसके फॉन्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो जैसे न्यू टाइम, मतलब जहाँ वहाँ पर फॉन्ट है, ये में कैलिबरी फॉन्ट है, तो ये डिफॉल्ट फॉन्ट यानी ऑटोमेटिकली फिट हुआ होता है 2007 के, 2016 के बाद आने वाले तमाम डॉक्यूमेंट में MS वर्ड की। अरे देखिए, द डिफॉल्ट फॉन्ट विच इज यूज इन MS वर्ड 2003 में जो डिफॉल्ट फॉन्ट ऑटोमेटिकली था वो था टाइम्स न्यू रोमन, उसमें ये आता है। लेकिन अब जरा उनके साइज भी देखें। वट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ कैलिबरी, कैलिबरी का जो डिफॉल्ट साइज है ना, ऑटोमेटिकली जो साइज है उसका, वो 11 पॉइंट होता है। इसी तरह डिफॉल्ट साइज ऑफ टाइम्स न्यू रोमन, न्यू रोमन्स का जो डिफॉल्ट साइज क्या था, 12 पॉइंट उसका फिक्स था। वट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार, जो फॉन्ट के वाले से सवाल हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत अहम सवाल है, आप इन्हें अच्छी तरीके से मेमोराइज कीजिएगा। FPSC में
बहुत ज़्यादा वर्ड आते रहते हैं पीपीएससी के एग्जाम्स में, एसपीएससी में बहुत सारे साइज पूछे जाते हैं डिफरेंट। तो जो स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज है कभी सिर्फ ये अकेला पूछ लेता है, वेट होता है, और लार्जेस्ट फॉन्ट साइज कभी अकेला पूछ लेते हैं, वो होता है 72, और कभी ये इकट्ठे पूछ ले जाते हैं, तो स्मॉलेस्ट 8 और 72 इसका लार्जेस्ट किसी भी चीज़ का फॉन्ट साइज होता है। बट इस फंक्शन ऑफ वर्ड रैप फीचर, वर्ड रैप फीचर का फंक्शन क्या है? ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। जब हमें एक नेक्स्ट लाइन में टेक्स्ट को कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, वर्ड रैप फीचर का इस्तेमाल करते हैं। वट इज द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग चेक इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर हमें स्पेलिंग चेक करना हो तो हम कौन सी की इस्तेमाल करते हैं? वो की होती है F7, बहुत मशहूर की है, बहुत आती है। वट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एमएस वर्ड टेबल? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। 1 एंड 1, यानी एक ही रो होती है मिनिमम, मिनिमम की बात हो रही है अभी, मैक्सिमम की बात नहीं हो रही, मैक्सिमम भी करते हैं। तो मिनिमम रोज और मिनिमम कॉलम्स कितने होने चाहिए? एक रो हो सकती है मिनिमम, एक कॉलम हो सकता है। वट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन एमएस वर्ड टेबल? एमएस वर्ड टेबल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं 63, बहुत इंपॉर्टेंट ये फिगर है। वट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन एमएस वर्ड? मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितनी है? 32,767, ये चले ये 32,767, ये ज़्यादा नहीं आया, लेकिन 62 इससे पीछे जो हमने पढ़ रहे हैं नंबर कॉलम जो रोज की वो आती रहती है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है? ये जनाब पेज ओरिएंटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। वट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस यू कैन सेट फॉर अ ड्रॉप कैप? तो ड्रॉप कैप के लिए नंबर ऑफ लाइंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस क्या होता है जो हम सेट करते हैं? तो ड्रॉप कैप के अंदर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन 10 सेट कर सकते हैं। वट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन्स? अब हम लाइन्स का डिफॉल्ट नंबर देख रहे हैं, यू कैन सेट ऑफ अ ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप का जो डिफॉल्ट नंबर होता है ना, जो ऑटोमेटिकली फिट होता है, फिक्स होता है, वो 3 है। हाउ मेनी डिफरेंट पोजिशन कैन यू सेट फॉर अ ड्रॉप कैप? तो आप ड्रॉप कैप के लिए 2 डिफरेंट पोजिशन सेट कर सकते हैं। विच फीचर इज डू यूज यूज टू क्रिएट न्यूज पेपर लाइक? जैसे न्यूज पेपर के अंदर हम कॉलम लिखे होते हैं, कॉलम के 2 साइड होते हैं, जैसे कॉपी के 2 पेज होते हैं, तो ऐसे आप न्यूज़पेपर के जिस ऐसे ही काम आप कैसे कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर किस में कर सकते हैं, कॉलम में, रो में? तो हम कर सकते हैं कॉलम में। हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम? यानी ये आप मैक्सिमम जो है ना एमएस वर्ड के अंदर कितने कॉलम्स लिख सकते हैं, कितने कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं, वो है 45। एमएस वर्ड के अंदर मैक्सिमम 45 कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। विच ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेन्यू इज यूज टू क्लोज अ फाइल इन एम एस वर्ड? यानी एम एस वर्ड अगर आप किसी फाइल को क्लोज करना है तो आप क्या करेंगे, उसको क्लोज के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगी। सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वैसे ये सवाल भी आया हुआ। वट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट? एक्टिव डॉक्यूमेंट को क्लोज करना हो इन माइक्रोसॉफ्ट या एम एस वर्ड में तो क्या करेंगे, तो आप Ctrl+F4 करेंगे, आप एक्टिव जो डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देंगे, वो वहां पर आपको सेव का ऑप्शन पूछता है, उसके बाद क्लोज हो जाता है। वट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट की है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सी की यूज करते हैं? Ctrl+D आप डायल करेंगे। सम अदर शॉर्टकट कीज टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की कुछ और कीज भी हैं, मतलब 2 कीज और हैं, आप घबरा मत जाइएगा कि ये तो हमने Ctrl+D पढ़ा था। तो इसमें Ctrl+Shift+F भी आता है, Ctrl+Shift+P, ये 3 की इस्तेमाल की जाती है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। वट इज द शॉर्टकट की फॉर डैश? किसके लिए? फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। अगर आपने फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करना तो आप कहेंगे Ctrl+G करेंगे डायल, और जनाब ओपन हो जाएगा। वट इज द शॉर्टकट की फॉर डैश? अगर आपने सिर्फ रिप्लेस वाले ऑप्शन को ओपन करना है तो Ctrl+H डायल करेंगे। इसी तरह अगर आपने फाइंड वाले ऑप्शन को ओपन करना है तो आप Ctrl+F डायल करेंगे। लेकिन अगर आपने फाइंड एंड रिप्लेस जो मतलब इकट्ठा एक बॉक्स है उसको ओपन करना, तो Ctrl+G डायल करेंगे। ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर, यानी कि वर्ड प्रोसेसर में ग्राफिक क्या करते हैं, क्लिप आर्ट का काम करते हैं। वेयर कैन यू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट? वर्टिकल अलाइनमेंट को कहाँ चेंज करते हैं, उसको हम चेंज करते हैं पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में। विच की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट न्यू पैराग्राफ? एमएस वर्ड के अंदर अगर आपने न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो आप एंटर दबाते हैं। ये तो बहुत अहम सवाल है, इजी, लेकिन ये
आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से ध्यान निशीन कीजिएगा कि जब हम नया पैराग्राफ लिखना हो तो हम सिर्फ एंटर दबाते हैं। ये बहुत ये सब पेपरों में आया हुआ, बहुत सारे पेपरों में आया हुआ ये सवाल। व्हाट इज फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस बी एम एस वर्ड के अंदर? तो एम एस वर्ड के अंदर कंट्रोल प्लस बी क्या, बी क्या होता है बोल्ड। तो ये सारे टेक्स्ट को जिसको आप सिलेक्ट करते हैं उसको ये बोल्ड कर देता है, यानी बड़ा कर देता है। शॉर्टकट की ऑफ इटैलिक, यानी कि जो अगर आपने जो टेक्स्ट लिखा उसको इटैलिक में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस आई डायल करेंगे तो वो हो जाएगा सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है ना, टेक्स्ट इटैलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। शॉर्टकट की ऑफ अंडरलाइन, अगर आपने किसी लाइन को या किसी पैराग्राफ को अंडरलाइन करना है तो आप कंट्रोल प्लस यू दबाएंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। हाउ कैन यू ब्रेक द करंट कॉलम, अगर आप जिस कॉलम में काम करें उसको ब्रेक करना चाहते हैं एंड स्टार्ट अ न्यू कॉलम इमीडिएटली, और आप जल्दी से एक नया कॉलम लिखना चाहते हैं तो क्या करें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट की है, ये भी रिपीटेड है। द रिबन इन वर्ड 2007 कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ टैब, उसके अंदर टैब की सीरीज पर मुश्तमिल होती है। टू व्यू हेडर्स एंड फुटर्स यू मस्ट स्विच टू प्रिंट लेआउट व्यू एंड प्रिंट प्रीव्यू मोड, ये दोनों आपको ऑप्शन यहां पर दिखाई देते हैं। इंसर्ट डेट, फॉर्मेट पेज नंबर एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट आर बटन्स ऑन द, ये किसके बटन पर होते हैं, हिडन एंड फिटर के टूल बार पर मौजूद होते हैं सारे ऑप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू यूज टू चेंज मार्जिन्स, मार्जिन्स को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स यूज करेंगे। विच टैब इन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंटेन ऑप्शंस टू अप्लाई फॉन्ट इफेक्ट, यानी कि फॉन्ट इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में कौन सा टैब चाहिए, तो आपको फॉन्ट टैब चाहिए फॉन्ट इफेक्ट के लिए। इन ऑर्डर टू ईमेल अ वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम विद इन एम एस वर्ड, तो आप क्या करते हैं, ऑर्डर टू ईमेल आपको मतलब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है सबसे पहले आप ऑफिस बटन क्लिक करते हैं, उसके बाद आप अपना जो ईमेल से सेंड टू का ऑप्शन क्लिक करते हैं, उसके बाद मेल रिसेप्शन का बटन आप क्लिक करते हैं, और आपका जो ये ऑर्डर है ईमेल किसी को भेजने के एम एस वर्ड के अंदर। द डैश इज अ स्पेशल टूल बार दैट डिस्प्लेस अ सीरीज ऑफ नेम्स ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ कमांड्स दैट कैन बी यूज टू परफॉर्म टास्क, तो ये सारा काम कौन करता है, मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या है, एक स्पेशल टूल बार है दैट डिस्प्लेज अ सीरीज ऑफ नेम, जिसके अंदर बहुत सारे नेम्स होते हैं जो क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ कमांड्स को जाहिर करते हैं, मतलब जो सारा आपको एम एस वर्ड के ऊपर वो सारा दिखाई देते हैं, सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, वो सारे सारे मेन्यू बार के अंदर मौजूद होते हैं। चेंज द डैश टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन वाइड फॉर्मेट, चेंज द पेज ओरिएंटेशन, आप पेज ओरिएंटेशन को चेंज करें क्या करने के लिए, एक डॉक्यूमेंट को वाइड फॉर्मेट में क्रिएट करने के लिए। व्हाट इज अ प्लेस ऑन द लेफ्ट ऑफ हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, तो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार लेफ्ट में कौन सी प्लेस है, व्यू बटन होते हैं। विच कमांड इज यूज टू सबमिटिंग अ डॉक्यूमेंट टू अदर्स, अगर हम किसी को भी मतलब कोई हम डॉक्यूमेंट को सबमिट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके सबसे पहले स्पेलिंग और ग्रामर जो है चेक करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले फील्ड कोड्स, फील्ड कोड्स के लिए जो की इस्तेमाल की जाती है Alt प्लस F9 है। शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक क्या होती है, शिफ्ट प्लस एंटर, ये बहुत एक दूसरी की आ गई। न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एंटर की, और लाइन ब्रेक करने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर। ये जरा अच्छी तरीके से इनको मेमोराइज कीजिए, ये दो तीन की जो है ना ये कंफ्यूज करती हैं पेपर में जाकर, तो इनको थोड़ा सा अच्छे तरीके से ध्यान निशीन कीजिएगा। लाइन को ब्रेक करना हो और पैराग्राफ को ब्रेक करना हो या न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना हो तो कौन सी कीज होती है, लाइन के लिए शिफ्ट प्लस एंटर, और नीचे हमने पैराग्राफ की दोबारा से मैंने दे दी ताकि आपको उसकी वो अच्छी तरीके से मेमोराइज हो जाए, तो एंटर की। व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर इन डॉक्यूमेंट, ये क्या करते हैं, टू अलाउ पेज हेडर्स एंड फुटर्स अपियर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन प्रिंटेड, ये अलाउ करते हैं। बॉर्डर्स कैन बी अप्लाइड टू, बॉर्डर हम सेल्स पर भी कर सकते हैं, पैराग्राफ पर भी कर सकते हैं, पूरे टेक्स्ट पर भी कर सकते हैं। स्क्रॉल बार ऑन द वर्टिकल स्क्रॉल बार इंडिकेट्स द करंट रिलेटिव लोकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट की जो करंट जो लोकेशन है उसको शो करता है। डिस्प्लेड इन द विंडो, जो विंडो के अंदर उसकी डिस्प्ले हो रही होती है। कंट्रोल प्लस आर क्या करता है, ये राइट अलाइन द सिलेक्टेड पैराग्राफ, ये इसका काम होता है। विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म इफ यू नीड टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, अगर आपने मतलब टेक्स्ट को ही रिमूव कर देना है, उसे खत्म कर देना है, तो आप करें कट एंड पेस्ट करते हैं, यानी अगर आपने
टेक्स्ट को एक जगह से खत्म करके दूसरी जगह पर दूसरे फोल्डर में लेके जाना है, तब कट एंड पेस्ट करते हैं। सिंपल सॉल्व था। विद विच व्यू कैन यू सी हाउ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स विल अपीयर ऑन प्रिंटेड पेज। तो प्रिंटेड पेज पर कैसे ही अपीयर होते हैं, तो प्रिंट लेआउट के जरिए अपीयर होते हैं। डैश इज अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड। तो थीम क्या होता है, थीम इज अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड डिजाइन, जिसको हम डिफाइन कर चुके होते हैं एलिमेंट्स के, उसके कलर्स, उसकी सारी कलर स्कीम डिफाइन कर चुके हैं, तो उसे हम बोलते हैं थीम कलेक्शन, थीम कहलाता है। व्हाई ड्रॉप कैप्स आर यूज्ड इन डॉक्यूमेंट्स। ड्रॉप कैप्स को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, टू बिगिन अ पैराग्राफ विद अ लार्ज ड्रॉप इन इनिशियल लेटर, यानी कि हम कहते हैं कि हर पैराग्राफ जो होता है ना वो इनिशियल लेटर से, जो उसका इनिशियल लेटर है वो कैपिटल हो, उससे स्टार्ट हो। टू यूज योर कीबोर्ड इंस्टेड ऑफ द माउस, टू सेलेक्ट टूल्स ऑन द रिबन, यू डिस्प्ले द टिप्स बाई प्रेसिंग द आल्ट की, इसका आल्ट आएगा। चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन इज कॉल्ड, यहाँ पे इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट, अपीयरेंस को चेंज करना क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग कहलाता है। एंड की किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, मूव द कर्सर एंड ऑफ द लाइन। अगर आप लाइन में लिख रहे हैं तो मतलब आपने उसके अंदर करेक्शन किया, फिर आप लाइन के एंड पर जाना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, एंड की जो कीबोर्ड के ऊपर तो उसे डायल करेंगे। विच की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के बिल्कुल शुरू में जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे, आप शुरू में पहुंच जाएंगे। इस तरह विच की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एंड दबाएं, आप लास्ट पे पहुंच जाएंगे। स्विचिंग बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड्स इन्वॉल्व पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट इज कंट्रोल प्लस, आप बराबर डायल करेंगे तो आप सबस्क्रिप्ट कर लेंगे। अब सबस्क्रिप्ट क्या होता है, आप इसमें देखे होंगे एच के साथ टू लगा है, टू लगा है एच के नीचे की जानब, तो अगर हमें ये टू लगाना हो इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट करना। शॉर्टकट की फॉर डैश, अगर आपने सुपर स्क्रिप्ट होता है, सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, आप ये फिर ए देख रहे हैं कि ए के ऊपर टू लगा हुआ, अगर आप ऊपर उसकी पावर लगाना चाहते हैं तो उसके कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इसके लिए आप करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर का साइन डायल करेंगे। शॉर्टकट की फॉर न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत सिंपल और बहुत मशहूर और बहुत फेमस क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस एन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस एन डॉक्यूमेंट के अंदर, यानी कि ये न्यू डॉक्यूमेंट आप खोल रहे हैं किसके अंदर, वर्ड के अंदर, कंट्रोल प्लस एन खोल रहे हैं। लेकिन अगर आप न्यू डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हैं पावर पॉइंट के अंदर तो कंट्रोल प्लस एम डायल करते हैं, ये भी फर्क वाज रखिएगा जहन में। बाई डिफॉल्ट ऑन विच पेज हिडन एंड फुटर इज प्रिंटेड, हिडन एंड फुटर का ऑन एवरी पेज, ये सवाल भी आया हुआ, ऑन एवरी पेज हम उसे कर सकते हैं, उसका डिफॉल्ट फिट होता है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इज कॉल्ड यूज फॉर क्लोज द करंट विंडो, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लोज द करंट विंडो क्लोज करना। ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर क्लिप आर्ट, विच की इज यूज फॉर ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स कौन यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस पी, अगर अपने किसी चीज का प्रिंट निकालना हो। शॉर्टकट की फॉर हैंगिंग इंडेंट इज कंट्रोल प्लस टी, विच कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड विंडो हैज द जूम कंट्रोल, तो वो होता है लोअर राइट, लोअर राइट जूम कंट्रोल होता है। वेन यू पॉइंट टू द डैश कॉर्नर ऑफ अ टेबल, द टेबल मूव हैंडल अपियर्स, तो अपर लेफ्ट, वेन यू पॉइंट टू द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ अ टेबल, तो फिर क्या होगा, द टेबल मूव हैंडल अपियर्स, तो अपने टेबल अपने हैंडल को अपियर करते हैं। हाउ कैन यू अप्लाई एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेटिंग यू डिड टू अनदर टेक्स्ट, यानी अगर आपने कोई टेक्स्ट पर काम किया, आप कहते हैं यही फॉर्मेटिंग जो है ना आप किसी और पैराग्राफ पर लग जाए तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट द टेक्स्ट देन क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर एंड सिलेक्ट द न्यू टेक्स्ट, तो आपको क्या, और जो न्यू टेक्स्ट होगा ना उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो सेम की सारी सारी वैसी होगी जैसे आपने पहले की है। कंट्रोल प्लस के इज यूज फॉर, ये की किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इंसर्ट हैपर लिंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विच की डिलीट्स द करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्जर, लेफ्ट ऑफ द कर्जर से हमें कोई करेक्टर डिलीट करके कहते हैं बैक स्पेस, तो कर्जर के लेफ्ट साइड से करेक्टर डिलीट हो जाते हैं। विच की डिलीट्स द करेक्टर्स टू द राइट ऑफ द कर्जर, अगर हमें कर्जर के, ये कर्जर है तो उसकी राइट साइड से कुछ चीज़ें डिलीट करनी है तो कहते हैं डिलीट का ऑप्शन दबाते हैं, डिलीट हो जाती है। फंक्शन ऑफ ऑटो करेक्ट क्या है, ये होता है रिड्यूस द स्पेलिंग एरर। ऑटो करेक्ट क्या करता है, स्पेलिंग एरर को रिड्यूस करता है, यानी कम से कम करता है, खत्म कर देता है। फॉर्मेटिंग करेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्टर फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वे लेटर्स नंबर्स पंक्चुएशन मार्क्स एंड सिंबल्स अपियर ऑन द स्क्रीन इन प्रिंट।
तो ये करेक्टर्स का फॉर्मेटिंग होती है। वॉट इज द यूज ऑफ ऑल कैप्स फीचर इन एम एस वर्ड? एम एस वर्ड के अंदर ऑल कैप्स के फीचर क्या होते हैं? इट चेंज ऑल सिलेक्टेड टेक्स्ट इन टू कैपिटल लेटर। ऑल कैप्स का मतलब क्या है? आप तमाम जो जिस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया वो सारे सारा चला जाए किस में? इंग्लिश में, सॉरी कैपिटल लेटर में। बस फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 क्या होता है? इट एक्टिवेट्स द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। व्हाट इज गटर मार्जिन? तो मार्जिन दैट इज एडिड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग, ये उसका ये गटर मार्जिन होता है। गटर गटर पोजीशन कैन बी सेट इन फॉलोइंग पोजीशन। इसकी पोजीशन क्या होती है? लेफ्ट एंड टॉप, लेफ्ट एंड टॉप। अ डॉक्यूमेंट इन पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन प्रिंट्स इज लेस कैरेक्टर पर लाइन देन द सेम डॉक्यूमेंट इन लैंडस्केप। ये होता है डॉक्यूमेंट की जो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन जो प्रिंट होती है। हाउ मेनी पोजिशन फॉन्ट्स इन एम एस वर्ड? तो एम एस वर्ड के अंदर पोजिशन फॉन्ट्स की पोजिशन तीन होती हैं। अब फॉन्ट्स की तीन पोजिशन ये है, नॉर्मल होती है, रेज्ड होती है और लोअर्ड होती है, सेंट्रल नहीं होती। बज दफा यहाँ पर चौथा ऑप्शन आता है सेंट्रल और आप उसको करेंगे क्रॉस। पूछ रहे थे कि इसमें से कौन से फॉन्ट की नहीं है, फॉन्ट की पोजिशन नहीं है। हाउ मेनी फॉन्ट स्पेसिंग? पहले हमने कहा था फॉन्ट पोजिशन, अब हम देख रहे हैं एम एस वर्ड के अंदर फॉन्ट स्पेसिस कितनी है, वो भी तीन है। अब वो फॉन्ट स्पेसिस कौन कौन से? वो है नॉर्मल, कंडेंस्ड और एक्सपेंडेड। टू एडवांस राइट वर्ड फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट इन अ टेबल, तो हम टैब इस्तेमाल करते हैं इन एम एस वर्ड। टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट वर्ड कमांड यूज इज कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस राइट अरब डायल करेंगे और आप मूव कर जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ डैश इज अ फॉर्मेटिंग मार्क एट द एंड ऑफ अ लाइन दैट मूव्स द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फिजिकल लाइन। वो नेक्स्ट फिजिकल लाइन के बिगिनिंग में चली जाती है। कैसे? कब? जब हम लाइन ब्रेक करेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। और एक जो डबल क्वेश्चन है तो उसके एक क्वेश्चन और भी देखिए। विच लैंग्वेज डज एम एस वर्ड यूज टू क्रिएट मैक्रोज? तो मैक्रोज को क्रिएट करने के लिए एम एस वर्ड कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है? वो है विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। ये आज के इतने ही क्वेश्चन से 100 MCQ कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट आई मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक्सेल पर एक वीडियो बनाकर दूं, क्योंकि एक्सेल के काफ़ी सारे क्वेश्चन, उसके भी कीज और क्वेश्चन, उसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं, फंडामेंटल जो उसके क्वेश्चन हैं वो भी आते रहते हैं वन पेपर MCQ में, वन पेपर जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स होता है उसमें, और तहसीलदार के लिए भी वो, और नायब तहसीलदार के लिए भी, तो वो इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, आज के इतने लेक्चर था। बेस्ट विशेष।